हेलो एवरीवन, वेलकम इन पावर प्लांट इंजीनियरिंग एज ए इलेक्टिव ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट 6 इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पावर प्लांट्स टॉपिक 3 इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पावर प्लांट्स न्यूमेरिकल्स लेक्चर नंबर 25 प्रिपेयर्ड बाय मिसेस अमृता मुंडले लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट NIT पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हैज ए फॉलोइंग विजन एंड मिशन You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of today's lecture as numerical on annual revenue of given power plant. Learning outcomes. After completion of this video lecture, you are able to estimate cost of electricity in the given situation using simple numerical problem. Also, you have to calculate performance parameters for the given power plant using simple numerical problems. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. Overview of last session. So, last session mein humne dekha cost analysis and its types. Then, methods to reduce power generation cost and numericals to calculate the cost of unit cost. So let us discuss two numericals by this lecture. First question is determine the annual cost of water softening plant from the following data. This all data is given in this problem that cost equal to rupees 2.56 into 10 to the power 5. Salvage value is a 6%, life of plant is a 10 years. Annual cost of chemicals is a rupees 15,000. Annual repair cost is a rupees 10,000 and labor cost per month is a rupees 3,000. Rate of interest by sinking fund method is equal to 11%. All these data given by this numerical, then go for the solution. First upon write all the given data by this question. So given data kya hai? Ye numericals mein ye hamare solution ka first step rahega. तो कॉस्ट हमें दिया है जिसको हम कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं दैट नोटेड एज ए पी दैट्स रुपीज इज ए 2.56 इंटू 10 टू द पावर 5 देन सेल्वेज वैल्यू दिया है एस इक्वल टू 6% लाइफ ऑफ पावर प्लांट इक्वल टू होता है इसको नोटेड करते हैं हम स्मॉल एन से एन इज इक्वल टू 10 ईयर्स देन एनुअल कॉस्ट ऑफ केमिकल से हमारा रुपीज 15,000 एंड नेक्स्ट है एनुअल रिपेयर कॉस्ट इज ए रुपीज 10,000 लेबर कॉस्ट पर मंथ दिया है रुपीज 3,000 एंड लास्ट इज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय सिंकिंग फंड मेथड दैट इज ए आर इक्वल टू 11% जिसे हम नोटेट करते हैं 0.11 से स्मॉल आर इज ऑल इज गिवन इन दिस न्यूमेरिकल्स देन हम सेल्वेज वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं सेल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू 6% ऑफ कैपिटल कॉस्ट तो कैपिटल कॉस्ट हमें दिया है तो एस इक्वल टू 6/100 क्योंकि ये परसेंट में है तो 6% इक्वल टू 6/100 इंटू कैपिटल कॉस्ट दिया हमें 2.56 इंटू 10 टू द पावर 6 तो हमें सेल्वेज वैल्यू मिलेगी इन रुपीज में जिसे हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 15.36 इंटू 10 टू द पावर 3 देन लेबर कॉस्ट पर मंथ गिवन है रुपीज 3,000 तो इससे हमें लेबर कॉस्ट पर ईयर मिलेगा सिंपली मल्टीप्लाई दिस कॉस्ट इंटू 12 यानी 12 मंथ्स तो ये कॉस्ट आएगी हमारी लेबर कॉस्ट पर ईयर इक्वल टू रुपीज 36 इंटू 10 टू द पावर 3 कैलकुलेट डिप्रिसिएशन अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पेड बाय सिंकिंग फंड मेथड फॉर विच ए इक्वल टू आर अपॉन 1 प्लस आर एस टू पावर एन माइनस 1 इन टू पी माइनस एस तो हमारे पास पी है सेवेज भी है एस भी है आर भी है और एन भी है तो इस फॉर्मूले में आपको सारे वैल्यूज पुटअप करना है और डिप्रिसिएशन कॉस्ट फाइंड करना है तो A इक्वल टू R इक्वल टू है हमारा 11% देन ये R इक्वल टू हो जाएगा 0.11 देन N हमारा 10 ईयर्स था लाइफ ऑफ प्लांट तो इसकी 10 वैल्यू डालेंगे हम P इज गिवन एज ए 2.56
इंटू 10^6 दैट इज ए कैपिटल कॉस्ट एंड एस आपने सेल्वेज वैल्यू कैलकुलेट किया है 15.36 इंटू 10^3। तो इस फॉर्मूले में अगर हमने आर एन पी और एस की वैल्यू पुटअप की तो आपको इसका कैलकुलेटर में वैल्यूज फाइंड करना है। तो ये आएगा आपका ₹14.39 इंटू 10^3। नेक्स्ट है एनुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट। तो ये एनुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ केमिकल रिपेयर्स लेबर्स एंड एनुअल डिप्रिसिएशन सिंकिंग फंड मेथड। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ केमिकल्स 15,000 है, रिपेयर्स 10,000 है, लेबर हमारा था 36 × 10^3 फॉर वन ईयर नॉट फॉर द मंथ। मंथ इज गिवन एंड यू विल कैलकुलेट इन फॉर वन ईयर एंड देन आपने यहाँ पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट कैलकुलेट किए ए इक्वल टू जो कि है हमारा 14.39 × 10^3। इन सब का हमने अगर एडिशन किया तो हमें एनुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट मिलेगा जिसकी वैल्यू आएगी ₹75,390। दैट इज ए सिंपल न्यूमेरिकल टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे हम। आइए देखते हैं क्वेश्चन। द मैक्सिमम लोड ऑन ए थर्मल पावर प्लांट ऑफ 70 मेगावाट कैपेसिटी इज 55 मेगावाट एट एन एनुअल लोड फैक्टर ऑफ 60%। द कोल कंजम्पशन इज 0.96 kg पर यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेटेड एंड द कॉस्ट इज ₹2 पर kg। तो यस न्यूमेरिकल में हमें दिया है मैक्सिमम लोड ऑन ए थर्मल पावर प्लांट कितना आएगा 70 मेगावाट एंड इज कैपेसिटी इज ए 55 मेगावाट एट ए एनुअल लोड फैक्टर। एनुअल लोड फैक्टर हमें यहाँ पे गिवन है 60%। द कोल कंजम्पशन रेट है 0.96 kg पर यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेटेड एंड कॉस्ट इज ए कोल की ₹2 per kg। तो फाइंड द एनुअल रिवेन्यू ऑन इफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सोल्ड एट ₹2.5 per kWh। तो हमें प्लान का रिवेन्यू कितना जनरेट होगा इसको हमें कॉस्ट के फॉर्म में रुपीस के फॉर्म में कैलकुलेट करना है जबकि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो हम बेचेंगे उसका कॉस्ट रहेगा 2.5 per kWh। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी को एक यूनिट के हिसाब से ₹2.5 per kWh तो अगर बेचते हैं तो हमारी एनुअल रिवेन्यू अर्न कितना होगा बाय दिस प्लांट। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप होती है हमारी गिवन डाटा। तो क्वेश्चन में जो हमारा गिवन डाटा है उसको रिप्रेजेंट करना मीन्स हमारा स्टेप वन। कैपिटल कैपेसिटी ऑफ प्लांट ये हमारा गिवन है 70 मेगावाट। मैक्सिमम डिमांड और लोड जो हमें दिया है 55 मेगावाट जिसको मेगावाट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 55 × 10^3 kW। एनुअल लोड फैक्टर और लोड फैक्टर इसको दिया है हमारा 60% जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.6 और 60/100 इक्वल टू 0.6। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ कोल। कॉस्ट ऑफ कोल दिया है हमारा ₹2 per kg। तो ₹2 per kg के हिसाब से हमें कॉस्ट ऑफ कोल लगेगा और सेलिंग प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दिया है हमें ₹2.5 per kWh और कोल कंजम्पशन रेट दिया है हमारा 0.96 kg per kWh। इस सब गिवन डाटा से हमें कैलकुलेट करना है एनुअल रिवेन्यू अर्न व्हेन द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सोल्ड बाय ₹2.5 per kWh। आइए देखते हैं फिर सॉल्यूशन। लोड फैक्टर से हम एवरेज लोड निकाल सकते हैं। लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड इट इज़ द वन ऑफ द लोड फैक्टर फॉर्मूला। तो एवरेज लोड हमें कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर है हमारा 0.6 एंड मैक्सिमम डिमांड है 55 × 10^3 kW। एवरेज लोड आएगा हमारा 33 × 10^3 kW। नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड पर ईयर
ये अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें करना पड़ेगा एवरेज लोड इनटू नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर। तो नंबर ऑफ आवर्स पर ईयर में आएगा 365 इनटू 24 आवर्स पर डे। तो एवरेज लोड को हम नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे पर ईयर के हिसाब से, तो ये आएगा एवरेज लोड है हमारा 33 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 365 डेज इंटू 24 आवर्स पर डे। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, 365 डेज को हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो आता है हमारा 8760 आवर्स। इसको हमें एवरेज लोड के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैलकुलेटर से वैल्यू पुट अप करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं और वो वैल्यूज आएगी 289.08 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोवाट आवर्स। दैट इज ए नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड पर ईयर, इतना यूनिट हमारा पावर प्लांट से जनरेट हो रहा है। प्राइस ऑफ एनर्जी सोल्ड पर ईयर, प्राइस ऑफ एनर्जी इक्वल टू प्राइस ऑफ एनर्जी पर किलोवाट इंटू नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड पर ईयर। तो हमारा प्राइस ऑफ एनर्जी पर किलोवाट था 2.5, हम पर यूनिट के हिसाब से 2.5 के हिसाब से बेचने वाले थे इलेक्ट्रिसिटी, और हमारा नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड पर ईयर होता है 289.08 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोवाट आवर्स। तो इस प्राइस ऑफ एनर्जी सोल्ड पर ईयर आएगा आपका रुपीज 722.7 इंटू 10 टू द पावर 6। बाद इस कैलकुलेशन फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ कोल कंज्यूम पर ईयर। इस अमाउंट ऑफ कोल कंज्यूम पर ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया है 0.96 केजी पर किलोवाट आवर्स, ये हमारा कंजम्पशन रेट था, और जिसकी कॉस्ट थी 289.08 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोवाट आवर्स। इस कैलकुलेशन से आपको मिलेगा इसकी वैल्यू 277.5168 इंटू 10 टू द पावर 6 केजी, इतना आपका कोल लगेगा। तो कोल की कॉस्ट आपको गिवन थी, उसके कैलकुलेशन से आपको कॉस्ट ऑफ कोल कंज्यूम पर ईयर फाइंड होगा, दैट्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कोल पर केजी इनटू अमाउंट ऑफ कोल कंज्यूम पर ईयर। इसके लिए आपको कोल लगने वाला है रुपीज 2 पर केजी के हिसाब से, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली दिस वैल्यू इनटू 2, तो 2 इनटू 277.5168 इनटू 10 टू द पावर 6, तो आपकी वैल्यू आएगी रुपीज 555.0336 इंटू 10 टू द पावर 6। किसकी वैल्यू है आपकी, ये कॉस्ट ऑफ कोल कंज्यूम पर ईयर। तो अभी हम देखते हैं एनुअल रिवेन्यू अर्न कैसे होगा। तो एनुअल रिवेन्यू अर्न करने के लिए इक्वल टू आपको करना पड़ेगा प्राइस ऑफ एनर्जी माइनस कॉस्ट ऑफ कोल। तो प्राइस ऑफ एनर्जी आपने कैलकुलेट किया था और कॉस्ट ऑफ कोल भी आपने कैलकुलेट किया आपके प्लान की कितने कैपेसिटी के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू आपको पुट करना है इन रुपीस फॉर्म में। प्राइस ऑफ एनर्जी आपको मिला है 722.7 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस कॉस्ट ऑफ कोल कंज्यूम पर ईयर, वो आया आपका 555 इंटू 0.03 इंटू 10 टू द पावर 6। इन दोनों का आप सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी इन रुपीस 167.66 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये आपका एनुअल रिवेन्यू अर्न बाय दिस पावर प्लांट। इस तरह से आप एनुअल रिवेन्यू अर्न बाय एनी गिवन पावर प्लांट से कोई भी कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। टाइम इज टू डिस्कस यूनिट आउटकम अचीव्ड बाय दिस वीडियो लेक्चर एज एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द गिवन सिचुएशन यूजिंग सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ऑल्सो कैलकुलेट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स फॉर द गिवन पावर प्लांट यूजिंग सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। समरी ऑफ टूडेज लेक्चर as numerical on annual revenue of the given power plant. Program outcome achieved by this video lecture as PO1, PO5, PO6 and PO7 are mapped. Now the time is to give some assignment, and that assignment is assignment number 25. All of you note all the questions of this assignment and solve in your copy. There is a numericals in this assignment and sample numericals given by this lecture. You all these note all these questions in your copy and upload in Genuino site as a assignment number 25. From the following data, calculate the cost of generation per unit delivered from the power plant. Installation capacity of the power plant is 2
200 megawatt. Annual load factor is 0.4. Capacity cost power plant is a rupees 280 lakhs. Annual cost of fuel, oil, salaries, taxation is a rupees 60 lakhs. Interest and depreciation is a 13%. A power plant, second question is a power plant of 180 megawatt. Installed capacity has the following data. Capacity cost is a rupees 2160 per kilowatt of installed capacity. Interest and depreciation is a 12%. Annual capacity factor is 0.5. Annual load factor is 0.6. Annual running charges is rupees 36 into 10 to the power 6. Energy consumed by power auxiliary equal to 6%. You note this question and solve in your copy. By this lecture is the sample numericals take up. If any problem, watch this video again, and there will be any doubts for solving these two assignment questions, then contact to subject teacher. Thank you. Happy learning. In next lecture, you solve next numericals in different topics of economic analysis of power plant. Thank you. Happy learning. Stay online.